नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में फ़र्क होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जिसका जहाँ फ़ायदा होता है वो उस तरफ चला जाता है, चाहे वो एक देश दूसरे देश के साथ मिलने जा रहा हो या इंडिया के अंदर जो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मिलने जा रही हो, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक न्यूज है पाकिस्तान और ईरान की जो अभी आई है। इसमें दरअसल क्या है कि पाकिस्तान में ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं रईसी, ये इन्होंने विजिट करी है, ये पाकिस्तान में गए हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले दो महीने में अभी ईरान और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, एक जगह से दूसरी जगह बम फोड़े जा रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। और आज के टाइम पर ईरान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, विजिट कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये अचानक ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कैसे, इसके पीछे क्या कारण है, आइए समझते हैं दोस्तों पूरी चीज़ें डिटेल से कि ऐसा क्या है। क्या पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते जैसे अभी रहे हैं पिछले दो तीन महीने पहले तक, क्या ऐसे ही हमेशा रहे हैं या पहले कुछ और था? तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब पाकिस्तान बना 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री सबसे पहले रिकॉग्नाइज अगर किसी ने किया था तो वो किया था ईरान ने। ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर जुड़ी हुई है। अब सोचिए दोस्तों, जब सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था वहाँ से लेकर के आज तक में इनके बीच में कितनी खटास आई है कि आपको रिकॉग्नाइज करने वाले को आप बम मार रहे हो। तो दोस्तों, ऐसा समझिए कि उस वक्त की जो ईरान की गवर्नमेंट हुआ करती थी वो वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट थी, मतलब जो पश्चिमी देश हैं उनका सपोर्ट था, उसमें भी खास करके यूएस का। तो अभी जैसे कि अभी होता है शरिया कानून लागू होता है, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। ईरान में सब आज़ादी के साथ रहते थे, उनकी महिलाएं जो होती थी, पुरुष जो होते थे, वो सब वेस्टर्न कपड़े पहनते थे, सब ऐसा ही बिल्कुल था, ऐसा इस्लामिक कंट्री जैसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे, लेकिन ऐसा ही चल रहा था। और 1979 में ईरान में एक रिवॉल्यूशन होता है, सब कुछ बदल गया बिल्कुल। उसमें ये होने लगा कि जो भी वेस्टर्न चीज़ें हैं इनको बिल्कुल क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और ये पूरी तरह से इस्लामिक गतिविधियों को फॉलो करने वाला देश बन गया। अब दोस्तों, जब पूरी तरीके से इस्लामिक चीज़ों को मानने वाली सरकार आ गई तो इसको रिकग्निशन मिली नहीं, यूएस ने इसको रिकग्नाइज नहीं किया, इस गवर्नमेंट को, उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट है ही नहीं, इसको देश मानने से ही इनकार कर दिया था यूएस ने, और उसके दो चार पपेट जो कंट्रीज हैं उन सब ने ऐसा ही किया था। अब ऐसा समझ लीजिए कि उस वक्त पाकिस्तान ने ईरान की वो जो गवर्नमेंट थी पहले जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया था उसका साथ नहीं दिया था। जो आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में जो सरकार आ रही थी, जो इस्लाम को मानने वाली सरकार थी, उसका समर्थन किया था पाकिस्तान ने। तो फिर भी रिलेशन ठीक थे, कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई थी। तो दोस्तों, फिर उसके बाद ऐसा क्या होने लगा कि इन दोनों में फ़र्क आने लगा? दोस्तों, ऐसा दरअसल आपको थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। 1971 में जब बांग्लादेश बना था, तो वो जो बांग्लादेश बना उसके पीछे रीज़न ये था कि पाकिस्तान पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री एज अ इस्लामिक कंट्री के रूप में सामने नहीं आया हुआ था, मतलब जैसे कि सिया सुन्नी होते हैं बिल्कुल वैसे नहीं था। बाद में पाकिस्तान जब 1971 में ये बांग्लादेश बना, तब इनको समझ में आया कि हमको कुछ एक आइडेंटिटी अलग लेकर चलनी पड़ेगी, वैसा कोई ऐसा ना हो कि कोई भी लीडर ऐसे खड़ा हो और देश अलग टूट कर तैयार हो जाए, बांग्लादेश जैसा हुआ, तो ऐसा नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में सुन्नी ज़्यादा थे तो ये सुन्नी मेजॉरिटी गवर्नमेंट इनकी आई, उसको ही इन्होंने आगे बढ़ाया। और ये इस्लामिक कंट्री तो पाकिस्तान है,
और ये लेकिन ये सुन्नी मेजोरिटी वाला देश बना। ऐसे ईरान की अगर बात करें तो वहाँ पर दोस्तों इस्लामिक कंट्री तो वो भी है लेकिन वहाँ सुन्नी नहीं, वहाँ सिया मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी, सिया कंट्री बना वो। तो पहला डिफरेंस तो दोनों में यहाँ से आने लगा कि एक लोग सुन्नी दूसरे सिया। उसके बाद एक दूसरा फ़र्क भी आया, दूसरा फ़र्क आया बलूचिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान में एक प्रांत ऐसा है, एक राज्य ऐसा है, प्रोविंस ऐसा है जिसको बलूचिस्तान कहते हैं, वहाँ बलोच लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पे बलूचिस्तान है ऐसे ही ईरान में एक राज्य है उसको बोलते हैं सिस्तान, सिस्तान बलूचिस्तान, वहाँ पर भी बलोच लोग रहते हैं। तो दोनों ही जगह बलोच लोग रहते हैं। अब ये बलूचिस्तान के लोग दोनों ही जगह ये अपने आप को मानते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट है कोई नहीं और माइनॉरिटी में है। बलूचिस्तान ईरान में जो बलोच लोग हैं वो माइनॉरिटी में हैं, वो सुन्नी लोग हैं तो माइनॉरिटी में हो गए। अब वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल अलग अपना रहें, किसी से हमें कोई मतलब ना रहे, ना पाकिस्तान से ना ईरान से। दोस्तों दोनों ही इसके चक्कर में भी दोनों में लड़ाई होती है। उसमें होता क्या है कि अटैक करते हैं बलूचिस्तान वाले जाके ईरान में जाके अटैक कर देते हैं और फिर वापस से आ जाते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तान वाले आतंकवादी जो आईएस की बैग किए हुए आतंकवादी हैं, वो जाके वहाँ पे घटनाएं कर देते हैं ईरान में और पाकिस्तान में आके छिपते हैं। और ऐसे पाकिस्तान में भी होता है कि कुछ धमाके होते हैं, वो ईरान वाले जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो आके यहाँ धमाके करते हैं और चले जाते हैं। ये जब धमाके होते हैं तो फिर इसके पीछे फिर एक दूसरे की सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। अभी जो 2 महीने पहले हुआ था वो ऐसा ही हुआ था कि वहाँ के कुछ लोग आकर यहाँ पे अटैक कर दिया और यहाँ के कुछ लोग जाके वहाँ पे अटैक कर दिया। तो ऐसे ही ईरान ने पहले एक स्ट्राइक करी पाकिस्तान में और यहाँ पे कुछ आतंकवादियों को मार दिया। तो जब यहाँ पे मारा उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने अगले ही दिन एक ऑपरेशन लॉन्च किया और वहाँ एयर स्ट्राइक कर दी, कुछ लोगों को वहाँ भी मार दिया। तो दोनों के बीच में माहौल बिल्कुल गर्म हो गया था, लड़ाई झगड़े होने लगे थे। अब दोस्तों ये तो रही इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस की बात। अब क्या है कि पाकिस्तान में जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अब ये आए हैं यहाँ पे समझौते के लिए नहीं, ये इसलिए आए हैं कि आइए दोनों लोग मिलकर ट्रेड करते हैं, ट्रेड को बढ़ाते हैं, आपस में शांति रखते हैं, ट्रेड बढ़ाते हैं। और इन्होंने एक जो एग्रीमेंट किया है, MOU जो साइन किए हैं उसमें तो बहुत सी बातें लिखी हैं। ये लिखा है कि अब हम लोग एनर्जी के सेक्टर में काम करेंगे, एनर्जी के सेक्टर के अलावा एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। लेकिन वो रियलिटी में चाहते हैं एक दूसरे के साथ ट्रेड करना। अभी दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक पाइपलाइन बिछनी थी जिससे ईरान ने अपने तरफ तो उन्होंने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया पाइपलाइन का काम, लेकिन पाकिस्तान ने पाइपलाइन का काम कंप्लीट किया नहीं, इन्होंने किया नहीं, ईरान ने कर दिया, ईरान का पैसा फंस गया। तो इसी वजह से ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एक केस भी कर रखा है कि हमें $14 बिलियन का आप मुआवजा दो क्योंकि हमारा पैसा आपने ब्लॉक करा दिया, आपने पाइपलाइन अपनी कंप्लीट नहीं करी, एक ये भी इशू है। तो दोस्तों दरअसल ईरान क्यों चाहता है कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड करें? दरअसल दोस्तों ईरान नहीं अफोर्ड कर सकता है कि वो दो दो तरफ से लड़ाई करे। एक तरफ तो इसराइल है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वो ये नहीं अफोर्ड कर सकता। और इसीलिए वो चाहता ये है कि भाई हम सबसे पहले ईरान इसराइल पर फोकस करें और इसराइल को ही संभालें। पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, इसको तो चलो किसी तरह से मना लेते हैं, तो ईरान ये चाहता है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान भी चाहता है कि ईरान के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएं तो उसको भी अपनी ज़्यादा उधर सेना ब्लॉक ना करनी पड़े और बहुत ज़्यादा फंड का मिसयूज़ ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के एक साइड इंडिया है, एक साइड अफगानिस्तान है, तीसरे साइड ईरान है, तो तीन तरफ इसकी भी सेनाएं व्यस्त हैं।
तो पाकिस्तान ये चाहता है कि कम से कम एक तरफ से तो टेंशन कम हो, तो एक ये चीज़ है। तो ये भी चाहते हैं कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाए, और पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान तो यूएसए से है। यूएसए पहले पाकिस्तान को फंड देता था, अब यूएस ने फंड देना कर दिया है बंद, तो पाकिस्तान की हालत पैसे मांगने वाली हो गई है। हमेशा देखते हैं आप आईएमएफ के पास, कभी ये लोन लेने के लिए जाते हैं तो कभी चाइना से मांगते हैं, तो कहीं सऊदी अरब से मांगते हैं फंड ये, और इनको कुछ नहीं मिलता है। तो दोनों ही देश एक टेबल पे बैठना चाहते हैं और ये ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए जो भी है, ये अच्छी चीज़ है कि एक दूसरे के साथ ये ट्रेड में आए और लड़ाई झगड़े कम ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे भारत का भी नुकसान है। अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो भारत को कच्चा तेल उसी रास्ते से मंगाना पड़ता है जिस रास्ते में ईरान है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही भारत के पास आता है कच्चा तेल और दूसरे सामान, तो उसमें दिक्कतें होती हैं भारत के लिए में। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो। दोस्तों, इसमें कुछ और डेवलपमेंट अगर आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।